गोरखपुर जिले में मंगलवार को 1189 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 741 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 422 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अन्य थाना क्षेत्र में 26 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एक 25 वर्षीय महिला एवं एक 36 वर्षीय पुरुष एवं 100 बेडेड टीवी हॉस्पिटल में एक 58 वर्षीय महिला और लखनऊ में एक 62 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इसके बाद से जिले में संक्रमितों की संख्या 45,409 हो गई है। इनमें 485 की मौत हो चुकी है, 35,672 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस 9,252 हो गए हैं। इस संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की है। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपनी और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी और लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।